सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान का अगला टॉपिक है हमारा खनिज लवण। इसके पहले हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। पोषक तत्व क्या है, मानव जीवन में उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले के क्लास में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके बारे में आपको बताया गया है। अब उसी पोषक तत्वों में से अगला पोषक तत्व है खनिज लवण। खनिज लवण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी मात्रा में मानव जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे। खनिज लवण अकार्बनिक रासायनिक तत्व है। हमारे शरीर में लगभग 24 खनिज लवण विद्यमान रहते हैं, 24% खनिज लवण विद्यमान रहते हैं। प्रायः खनिज लवण स्वतंत्र रूप में कोशिकाओं में रहते हैं, अर्थात इसके पहले जो आप पोषक तत्व पढ़े थे उसमें कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिक तत्व पाए गए थे, लेकिन खनिज लवण एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें कार्बनिक यौगिक बिल्कुल नहीं पाए जाते, मतलब लेश मात्र भी नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, मतलब इसकी आवश्यकता किसी और से नहीं रहती है, ये स्वतंत्र रूप में ही विद्यमान रहता है। हमारे शरीर का 96% भाग जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से बना रहता है। शेष 4% यहाँ पे लिखा भी है, शेष 4% भाग खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, और इन 4% में भी सबसे ज्यादा आवश्यक कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से देखें तो खनिज लवण का रोल उतना ही महत्व है जितना बाकी पोषक तत्वों का, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम आवश्यक है हमारे शरीर में, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। तो अगर 4% हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है तो 4% में से 1/3 तो कैल्शियम और फास्फोरस ही सारा काम कर जाता है, बाकी शेष जो रहता है, शेष बचे खनिज तत्व इसका कार्य सहायक तत्वों के रूप में करते हैं। खनिज तत्वों का वर्गीकरण। खनिज तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज तत्व और गौण खनिज तत्व। अगर खनिज तत्वों को वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज तत्व तथा गौण खनिज तत्व। इसके अलावा अगर खनिज तत्वों का वितरण देखें तो वितरण के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये तो हो गया वर्गीकरण। अगर वितरण के हिसाब से देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है खनिज तत्व स्वतंत्र रूप में हमारे शरीर में कार्यरत होते हैं। खनिज तत्व, चूंकि पहले भी बताया गया है, खनिज तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं क्योंकि ये इसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो वो हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे शरीर में लगभग 24% खनिज लवण पाया जाता है, 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा खनिज लवण यौगिक के रूप में भी कार्य करते हैं, खनिज यौगिक के रूप में, अर्थात जब दो या दो से अधिक खनिज लवण आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो वो खनिज यौगिक के रूप में कार्य करते हैं। जब दो या दो से अधिक खनिज लवण आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो वो खनिज यौगिक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस काम कर रहे हैं तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, क्लोरीन तथा फास्फोरस काम कर रहे हैं तो क्लोरीन फास्फेट हो जाएगा। तो इसी तरह दो यौगिक जब मिलकर काम करेंगे तो खनिज यौगिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और यदि यदि खनिज तत्व कार्बन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्बन इसमें नहीं पाया जाता है लेकिन बाकी के पोषक तत्वों में कार्बन पाया जा रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो अगर खनिज लवण इन पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करेगा तो वो कार्बन यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन यौगिक के रूप में कार्य करेगा। अब देखते हैं खनिज तत्वों के वर्गीकरण में मुख्य खनिज तत्व तथा गौण खनिज तत्व। क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पहला है मुख्य खनिज तत्व, तो इसका कार्य हमारे शरीर में बहुत ही अहम है।
खनिज तत्व। मुख्य खनिज तत्व के अंतर्गत 7 खनिज तत्व आते हैं और गौण खनिज तत्वों के अंतर्गत भी करीब 10-12 खनिज तत्व आते हैं। तो जो मुख्य काम होता है, मुख्य खनिज तत्व के अंतर्गत ज्यादातर कैल्शियम तथा फास्फोरस ही अपना सारा काम कर लेता है और बाकी जितने भी खनिज तत्व बचे रहते हैं वो उसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से खनिज तत्व हैं। मुख्य खनिज तत्वों के अंतर्गत आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। 7 प्रकार के खनिज तत्व हैं जो मुख्य खनिज तत्वों के रूप में आते हैं और जो जिनमें बार बार बताया जा रहा है कैल्शियम तथा फास्फोरस मुख्य है, बाकी सहायक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। अगला है गौण खनिज तत्व। इसमें आता है लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, निकेल, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकन, वैनेडियम। अब आते हैं खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत। कौन कौन से खनिज लवण, कौन कौन से भोज्य पदार्थों में खनिज लवण पाए जाते हैं, तो इसमें आपको कुछ भोज्य पदार्थ दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके पहले जो पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है तो उन पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन भी यही भोज्य पदार्थ हैं। अर्थात जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं प्रतिदिन, हमारे आहार में जो भोजन हमें मिल रहा है और जो पोषक तत्व हम ले रहे हैं, उन्हीं पोषक तत्वों के माध्यम से हमें खनिज लवणों की भी प्राप्ति हो जा रही है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम है और इसको अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें हो गया दूध एवं दूध से बने प्रत्येक भोज्य पदार्थ, मछली, अंडे, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल के बीज, नारियल, सूखे मेवे, गुड़, नमक, अनाज, दालें, ताजे फल इत्यादि। मतलब जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उनमें सारे पोषक तत्व तो विद्यमान है, साथ में हमें खनिज लवणों की भी प्राप्ति हो जा रही है। ये खनिज लवण के कुछ स्रोत हैं कि किन भोज्य पदार्थों से हम खनिज लवण को प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं खनिज लवण के कार्य पर। इसके पहले जितने भी पोषक तत्व हैं उनके कार्य को अलग अलग बताया गया है, उसी प्रकार से खनिज लवण के कार्य भी अलग है। जैसे अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर कार्य में निर्माण, यानी खनिज लवण का मुख्य कार्य है निर्माण करना। चूंकि इसकी आवश्यकता कम है लेकिन निर्माण की दृष्टि से देखें तो खनिज लवणों से ही कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है। अस्थियों का निर्माण, अब चूंकि अस्थि का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं गर्भावस्था से ही निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब एक शिशु गर्भ में रहता है तब से उसके शरीर का निर्माण हो रहा है और उसको पोषक तत्व तो माता के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। अगर अस्थियों का निर्माण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मानव का शरीर एक मांस का पुतला के समान होगा, क्योंकि अस्थियां नहीं रहेंगी तो एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा नहीं बनेगा। ढांचा नहीं रहेगा तो शरीर का निर्माण भी नहीं होगा और इसका कार्य कर रहा है खनिज लवण। इसके अलावा दांतों का निर्माण, क्योंकि पहले बताया गया है कि रूढ़ावस्था से ही निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जब एक शिशु गर्भ में रहता है तब से ही, तो दांतों का निर्माण भी गर्भ में ही हो जाता है। शिशु जब जन्म ले लेता है तो उसके दांत दिखाई नहीं देते हैं, जब वो 5 से 6 महीने का हो जाता है तो उसके दांत 1, 2, 3, 4 करके बाहर आते हैं, लेकिन मशूड़े के अंदर ही उसके दांतों का निर्माण हो चुका रहता है जो खनिज लवण के द्वारा ही हो रहा है। फिर है हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं आयरन की आवश्यकता होती है, तांबे की आवश्यकता होती है और ये सारे खनिज तत्वों के अंतर्गत आते हैं। फिर है हार्मोन्स का निर्माण। हार्मोन्स का निर्माण, हार्मोन्स के संचालन के लिए, क्रियान्वयन के लिए, नियमन के लिए कहीं ना कहीं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन का अवशोषण कहीं ना कहीं खनिज लवणों से हो रहा है। अगला है कोशिका की वृद्धि में सहायक। कोशिकाएं भी प्रोटीन की बनी होती हैं और कोशिकाओं के संयोग से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के संयोग से अंगों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन और खनिज लवण भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि निर्माण हो रहा है तभी वृद्धि और विकास हो रही है। तो पहले निर्माण का काम कार्य खनिज एवं लवण कर रहा है, उसके बाद वृद्धि का काम प्रोटीन कर रहा है। तो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक, निर्माण के बाद इसकी वृद्धि हो रही है जो कि प्रोटीन का अवशोषण कहीं ना कहीं खनिज लवण के माध्यम से ही हो रहा है। फिर है हृदय की गति का संतुलन। कैल्शियम के द्वारा शरीर में हृदय की गति को संतुलन बनाए रखने में कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमने में भी कैल्शियम का ही योगदान है, कैल्शियम के द्वारा ही रक्त का थक्का जमता है।
फिर है एंजाइम की सक्रियता में सहायक। अब एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं और एंजाइम की जो क्रिया है वो खनिज लौट के माध्यम से ही हो रही है, अर्थात अगर प्रोटीन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, खनिज लौट की कमी है, तो कहीं ना कहीं वो कार्य सही प्रकार से नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से जैसे प्रोटीन की आवश्यकता है वैसे खनिज लौट की आवश्यकता है, जिससे शरीर का संचालन, नियमन तथा नियंत्रण सही प्रकार से हो। शारीरिक वृद्धि एवं विकास, क्योंकि निर्माण हो रहा है तभी वृद्धि एवं विकास हो रही है, जो वृद्धि एवं विकास पहले नहीं होगा, पहले शरीर का निर्माण होगा फिर वृद्धि एवं विकास होगी। तो वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक, तो वृद्धि एवं विकास का कार्य कहने में प्रोटीन का है, मुख्य प्रोटीन का है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा मिल रही है, उससे भी वृद्धि एवं विकास हो रही है। तो खनिज लवण के माध्यम से भी वृद्धि एवं विकास हो रहा है, क्योंकि निर्माण हो रहा है तभी वृद्धि एवं विकास होगी। फिर है मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण भी कैल्शियम का ही कार्य होता है। फिर है कार्बोज के चयापचय में सहायक, कैल्शियम तथा फास्फोरस के द्वारा ही कार्बोज के चयापचय में क्रिया, कार्बोज का चयापचय क्रिया संपन्न हो रहा है। फिर है अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करना, शिशु के मानसिक विकास में सहायक, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, अर्थात हमारे शरीर में जो भी दो प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं, तो लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग में जो चमक होती है वो तांबे के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के द्वारा भी रक्त का निर्माण होता है, जिसके लिए आयरन की आवश्यकता होती है, लोहा की आवश्यकता होती है, तो ये सारे खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। फिर है घाव भरने में सहायक, कैल्शियम का कार्य होता है घाव को भरना, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस से अस्थियों का, दांतों का, तमाम अंगों का निर्माण हो रहा है। तो अगर किसी अंग को क्षति पहुंच रही है, चोट लग रहा है, तो उसका उसको भरने का कार्य भी कैल्शियम के द्वारा ही हो रहा है। फिर है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में घेघा रोग हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है आयोडीन, फ्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम, तो इसका आंसर होगा ए। मानव जीवन में कितने खनिज लौड़ों की आवश्यकता होती है, तो चूंकि पहले ही बताया जा चुका है मानव जीवन में 24 खनिज लौड़ों की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। फिर है कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं, रक्त तथा ऊर्जा का निर्माण, दांतों व हड्डियों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, कोमल तंतु का निर्माण, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों व हड्डियों का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। फिर स्वस्थ प्राण व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितनी कैल्शियम निष्कासित होती है, एक स्वस्थ प्राण व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितनी कैल्शियम निष्कासित होती है, इसका आंसर है 320 ग्राम। फिर है रक्त अल्पता किस कमी से कारण होता है, कैल्शियम, लौह लवण, फास्फोरस, सोडियम, तो लौह लवण